पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर आज प्रेस क्लब में पत्रकारों का हुजूम उमड़ा है और इस हुजूम को लेकर हम सीधा मुखातिब करेंगे योगेंद्र यादव जी से और जानकारी लेंगे कि आज इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। योगेंद्र सर, कैसे जो ये हो रहा है मीडिया के खिलाफ, एक वर्ग था जो कहा जाने लगा कि फला मीडिया हो गया, एक फला मीडिया हो गया, अब जो लोग सवाल कर रहे थे, क्या है ये, सवालों पर हमला है, आवाज़ ना उठाएं इस बात पर हमला है, या फिर मीडिया का एक नया वर्ग शुरू हो रहा था उस पर हमला है? ये एक अहंकारी और बौखलाई सरकार अपना अंतिम वार कर रही है मीडिया पे। और एक बात स्पष्ट है, जिस सरकार का मुख्य धारा की मीडिया पे लगभग पूरा कब्जा हो चुका है, सारे टीवी चैनल, सारे बड़े अखबार इनके कब्जे में आ चुके हैं ऑलरेडी, बच गया था डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया को कैसे अपने कंट्रोल में लाएं, इसकी कोशिश सरकार सोच रही थी। अब तक दो बार कोशिश कर चुकी है। पहला कोशिश था जिसमें इन्होंने आईटी के रूल्स बनाए, दूसरी तरफ से ये तमाम यूट्यूबर्स को खरीद रहे हैं, बच गया था उसके बाद सिर्फ धमकाना। और ये जो कल हुआ है, ये मीडिया को धमका के सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि बच्चों चुनाव आ रहा है, अगर ज़्यादा चूकी ना तो समझ लो टेरर लॉ में पकड़े जाओ। ये खेल चल रहा है और मैं समझता हूँ इससे सरकार का अहंकार, बौखलाहट दोनों दिखाई देती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार, अहंकारी सरकार बौखला के ऐसे काम करती है, कुछ लोग उठते हैं, जवाब देते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। इस देश ने अंग्रेजों से भी लड़ाई की थी। योगेंद्र सर, प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फॉलोअर बन जाइए, सभी अपडेट मिलेगी, लेकिन उन्हीं यूट्यूबरों पर हमला हो जाना, या उन्हीं, मतलब एक वर्ग को आप स्वीकार कर रहे हो, एक को नकार दोगे, ऐसा क्यों? अगर न्यूज़ क्लिक में पैसा आया तो उस स्टिंगर का क्या रोल था, उस गांव में रहने वाले पत्रकार का क्या रोल था, उस लेखक का क्या रोल था जो सबके पास पुलिस पहुंची? प्रधानमंत्री को यूट्यूब से ऐतराज थोड़ा ही है। जब तक वो उनके गुण गाए, उनकी महिमा मंडन करे, तब तक प्रधानमंत्री को ना यूट्यूब से ऐतराज है, ना फेसबुक से ऐतराज है, ना ट्विटर से ऐतराज है। सारी चीज़ें उनका भौंपू जब तक बने तब तक कोई ऐतराज नहीं है। जब जहाँ स्वतंत्र बोलने की गुंजाइश होती है वहीं प्रधानमंत्री को ऐतराज है, और वहाँ वो तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री YouTube के लिए विज्ञापन अपना करते हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें भी पता लग गया है कि अब लोग TV पे विश्वास नहीं करते, लोग अखबारों पे विश्वास नहीं करते, उनका जो विज्ञापन है TV और अखबारों के जरिए चल नहीं रहा, इसका मतलब उन्हें भी अब इन पे आना पड़ रहा है। लेकिन अगर वहाँ ऐसी बात आती है जो सच्ची है, नहीं सर, यहाँ एक और छोटा सा सवाल मेरा जोड़ते हुए आपको, कि जब आप YouTube पे अपनी बात रखते हो तो वो कह रहे थे यूट्यूबर हैं, ये क्या कर लेंगे, आज प्रधानमंत्री जी को उस पर 9.5 वर्ष बाद क्यों आना पड़ा? क्योंकि जिसे वो पहले समझते थे कि ये बिल्कुल बेकार के, बिल्कुल जाहिल वाहियात किस्म की चीज़ें हैं, उन्हें समझ आ गया कि आज जनता उसको देखती है, आज जनता उस पर विश्वास करती है, तो प्रधानमंत्री को भी, तो सबको आना पड़ेगा इन चीज़ों पे। पर असली सवाल ये है कि वहाँ आज़ाद बात हो या कि इनके कंट्रोल में की गई बात हो, वहाँ पे भी गोदी मीडिया बैठाना चाहते हैं, वो दिक्कत है। एक और सर सवाल ये है कि बिहार में जाति जनगणना का जब ये खुलासा होता है और उसी समय ये ऐसे, इसे कैसे जोड़ेंगे, क्या खबरों को मैनिपुलेट करने के लिए एक नई खबर प्रोजेक्ट की जाती है या फिर ऐसे ही हालात हैं? इस सरकार का हमेशा यही रवैया है। ये सरकार हर वक्त न्यूज़ साइकिल को बड़ा ध्यान से देखती है, और कुछ शायद नहीं देखती है, केवल न्यूज़ साइकिल देखती है। बिहार में जैसे ही जाति सर्वेक्षण के आंकड़े आए, बम फट गया। अब बम फट गया तो उसकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए, और मेरे तभी से लग रहा था कि अब सरकार रात में कुछ ना कुछ तो करेगी ताकि कल तक चर्चा इस पर ना हो। ये ज़रूर है न्यूज़ क्लिक इनके माइंड में पहले से रहा होगा, कुछ ना कुछ करना है पहले से इनका अंदाज रहा होगा, लेकिन रातों रात ये फैसला किया गया होगा कि अब इसको कल सुबह कर दो, ताकि अब देश का जर्नलिस्ट अपने बारे में चिंता करेगा, अब वो जाति सर्वेक्षण की चिंता नहीं करेगा। ये खेल है।